बस बस और नहीं सुना जा रहा हमसे। 12 लेक्चर तो पीछे हम भी चल ही रहे हैं, 10-12 लेक्चर का पीछे भी है। हाँ बहुत ज्यादा बैकलॉग, हमको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है आपसे बात करके। इतनी बड़ी कहानी थी तो मैं तो भाई 5-6 बार तो बीच में सो लिया। हाँ डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है भाई। मैं ऐसे स्क्रॉल करे जा रहा हूँ व्हाट्सएप, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, आधी बैकलॉग हो गई है। ये बच्चा बिल्कुल गलत है। अभी हम एक बच्चे का पता नहीं इनडायरेक्ट, ऑल दो मैं कहीं हूँ नहीं ठीक है, तो इनडायरेक्टली एक फैकल्टी ने कहा कि सर ये बच्चा आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा बताओ भाई क्या दिक्कत है। तो उस बच्चे ने भाई साहब इतनी बड़ी कहानी लिख के दे दी कि भैया हम यहाँ पर पढ़ते थे, हम यहाँ पर दिक्कत आई, हम यहाँ आ गए, सर अब मेरे को बीच में आया हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, इतना ज़्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं। मतलब उसने इतनी बड़ी कहानी दी तो मैं तो भाई 5-6 बार तो बीच में सो लिया, फिर मैं उठता था, फिर कहानी पढ़ता था, फिर मैं थक जाता था, फिर मैं सो जाता था। भाई मैं ऐसे स्क्रॉल करे जा रहा हूँ व्हाट्सएप, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई साहब इस बच्चे को सांत्वना देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा हमारा भी बैकलॉग है, लक्ष्य में हम भी कुछ ना कुछ छोड़े हैं, अभी उसको करवाएंगे, आपका भी कुछ ना कुछ छूटा है करवाएंगे, लेकिन हाँ हमारा भी बैकलॉग है, हमें भी डिमोटिवेशन होता है, हमें भी समय नहीं मिल रहा है रिकॉर्ड करने का, तो हम क्या करें। तो हमने क्या करा, हमने उसको बोला कि हमने कहा देखो यार इसने तो बहुत ज्यादा लिख दिया, हम भी थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो मैं उसको बोलना चाह रहा था कि बेटा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम लगे रहो हो जाएगा ठीक है। तो वहां पर अंग्रेजी मैंने सोचा थोड़ी अंग्रेजी में बोल देते हैं, अच्छा भी लगेगा। तो मैंने कहा प्लीज बियर विद अस ठीक है, प्लीज बियर विद अस मीन्स फिजिक्स वाला के साथ आप चल रहे, थोड़ी दिक्कतें आएंगी लेकिन बियर करते रहो, चलते रहो, मेरा इंटेंट तो ये था। तो मैंने लिख दिया कि बच्चे को भेज देना प्लीज बियर विद अस ऑल द बेस्ट ठीक है। तो उसने जिसको जिस मित्र के द्वारा हमारे पास मैसेज आया था हमने उनको वापस किया, उसने उस बच्चे को वापस कर दिया। फिर वापस क्या हुआ, हाँ क्विक रिवीजन का भी बैकलॉग है। बस 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 और नहीं सुना जा रहा हमसे। तो जिस व्यक्ति को हमने मैसेज भेजा तो उसके बाद वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, बच्चा कहीं ज्यादा ही तो डिप्रेशन में नहीं है। तो मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि यार वो बच्चे का मैसेज आया था, क्या हुआ उस बच्चे का। कह रहे सर अब आप उनकी टेंशन मत लीजिए, बच्चा बिल्कुल गलत रास्ते पर है। मैंने कहा हैं? कह रहा हाँ, क्योंकि बच्चे ने क्या पढ़ा कि प्लीज बियर विद अस को कह रहा है, रिप्लाई क्या दिया है बच्चे ने कि नहीं 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 बियर से काम नहीं चल रहा है, हम रोज कोशिश कर रहे हैं, अब नहीं हो पा रहा है, अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए ठीक है। तो उस बच्चे का थोड़ा सा मैंने कहा कि उस बच्चे को दोबारा बोलिए कि प्लीज आप अपने बैकलॉग में अंग्रेजी भी इंक्लूड करिए क्योंकि आपकी हालत थोड़ी ज्यादा टाइट है ठीक है। हाँ तो प्लीज बियर विद अस, आई एम नॉट इनवाइटिंग यू फॉर एनी ड्रिंक्स ठीक है, बियर विद अस मतलब थोड़ी दिक्कतें हैं और हमारे भी दिक्कतें हैं, चलता चला जाएगा, मामला आगे बढ़ाया जाए। उस बच्चे को लग रहा है इनविटेशन है हाँ वो कह रहा है ना 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 हम लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर लें, अब हमसे नहीं हो पा रहा है ठीक है, अब आप कोई और तरीका बताइए। हाँ ठीक है मसाला अभी मैंने बैकलॉग के ऊपर मसाला बनाया छठ से ठीक है। चलिए कोई नहीं, आपको समझ आ गया ना मसाला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंजॉय कर लिए ना।